क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? क्या आपने जोधा और अकबर की प्रेम कहानी सुनी है? क्या आपने सुना है कि जोधा और अकबर को संतान कैसे हुआ? और ऐसे बहुत सारे रोमांचक कहानियों के लेके आज मैं पेश कर रहा हूँ एक नया व्लॉग। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ऐतिहासिक व्लॉग है। आपने ये इतिहास तो पढ़ा ही होगा जोधा और अकबर के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ इतिहास का एक पन्ना खोलने। मैं आया हूँ फतेहपुर सीकरी और आज का मेरा व्लॉग रहेगा फतेहपुर सीकरी पे। तो आओ देखते हैं फतेहपुर सीकरी में जोधा अकबर की कहानी। 10.5 किलोमीटर में बाउंड्री वॉल, जिसके अंदर नौ गेट, इस गेट का नाम आगरा गेट, राइट हैंड जयपुर गेट। जी सर, अकबर बादशाह को जिधर भी जाना होता था तो उसी गेट से निकलते थे जिधर उनको जाना है। आगरा जाते थे तो इस गेट से निकलते थे, जयपुर गेट राइट हैंड। और जो पहाड़ देख रहे हैं ना राइट साइड, इसके बैक साइड में 80 फीसद लेक हुआ करता है, सारा गवर्नमेंट के अंडर में आता है। यहाँ से फतेहपुर सीकरी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से फतेहपुर सीकरी स्टार्ट हो गया। आगे जाएंगे, गाड़ी का पार्किंग है, गाड़ी हमारा इधर खड़ा रहेगा। यहाँ से फिर आपको CNG गवर्नमेंट का बस मिलेगा जो ऊपर पहाड़ पे आपको लेके जाएगा। जगह को फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। फतेहपुर सीकरी एक्चुअल में यहाँ पर दो जगह है, दोनों पार्ट अलग अलग है। सीकरी इस बिल्डिंग के बैक साइड में एक गांव बसा हुआ है जो बाबर ने बसाया, और फतेहपुर सीकरी इस जगह को इसलिए बोला जाता है कि फतेहपुर अकबर बादशाह ने बसाया था और सीकरी बाबर ने, अकबर बादशाह ने दोनों जगहों को मिला के यहाँ पर नाम रखा था फतेहपुर सीकरी। और जो उत्तर प्रदेश का लास्ट बॉर्डर है, यहाँ से 2 किलोमीटर हम आगे जाएंगे राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उस समय में राजस्थान के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह। तो ये पूरा इलाका भी महाराणा संग्राम सिंह के ही अंडर में आता था। मुगल सम्राट के अंदर सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जो राजा आए थे वो बाबर आए थे यहाँ पर। बाबर ने अपना सिंहासन दिल्ली से चलाया था। इस किले के बैक साइड में यहाँ भी एक मैदान बना हुआ है जिसको खानवा का मैदान बोलते हैं। 1527 में यहाँ पर एक युद्ध हुआ था महाराणा संग्राम सिंह और बाबर में, वो युद्ध हुआ था। उस युद्ध को बाबर ने जीता था। तो बाबर ने यहाँ पर इस किले को नहीं बनाया था, बाबर ने केवल एक गांव बसाया था जो इस बिल्डिंग के बैक साइड में बसा हुआ है। और सीकरी गांव बसाने के बाद बाबर यहाँ से वापस दिल्ली चले गए थे। बाबर के लड़के थे हुमायूं और हुमायूं के लड़के थे ये अकबर बादशाह। अकबर बादशाह बड़े हुए, अकबर बादशाह जब गद्दी पर बैठे तो वो दिल्ली के अंदर बैठे। अकबर बादशाह का पहला शादी हुआ टर्की की राजकुमारी थी जिसका नाम था टर्की सुल्ताना, मुस्लिम थी। सेकेंड नेम था उनका रुकैया बेगम, उनसे उनका शादी हुआ। लेकिन शादी होने के बाद अकबर बादशाह को औलाद नहीं हुई, तो अकबर बादशाह ने फिर दो शादियां और करी थी, एक हिंदू महारानी जोधाबाई जो राजस्थान की रहने वाली थी और दूसरी थी मरियम जो क्रिश्चियन थी गोवा की रहने वाली। अकबर बादशाह ने टोटल 3 शादियाँ कर ली, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। लेकिन 3 शादियाँ करने के बाद भी अकबर बादशाह को औलाद नहीं हुआ, अकबर बादशाह औलाद के लिए परेशान। अकबर बादशाह दिल्ली से अजमेर गए थे। आपने अजमेर का नाम तो सुना होगा, वहाँ दरगाह है ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है। उनकी दरगाह पर गए थे अकबर बादशाह अपने लड़के के लिए मन्नत मांगने के लिए। मन्नत आप समझते हैं, अकबर बादशाह ने अजमेर में जाकर के मन्नत किया। रात को अकबर बादशाह जब वहाँ सो रहे थे तो अकबर बादशाह को एक सपना आया था कि अकबर बादशाह इधर मन्नत करने से आपको औलाद नहीं मिलेगा, आप यहां से सीकरी गांव जाइए और सीकरी गांव के अंदर एक बहुत बड़े सूफी संत हैं जिनका नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती, उनसे जाकर के आप मन्नत कीजिए, उन्हीं के आशीर्वाद से आपको औलाद मिलेगा। अजमेर से अकबर बादशाह यहां पर पैदल आया था नंगे पैर। अजमेर यहां से 350 किलोमीटर है। उस समय यहां ये किला नहीं बना हुआ था, ये पूरा एक पहाड़ी इलाका था। इस पहाड़ी के ऊपर एक झोपड़ी के अंदर हजरत शेख सलीम चिश्ती बाबा रहते थे। अकबर बादशाह ने उनसे आकर के मन्नत किया, उन्होंने अकबर बादशाह को आशीर्वाद दिया। तो हिंदू रानी महारानी जोधाबाई से एक लड़का पैदा हुआ, उस लड़के का नाम बचपन में रखा गया मोहम्मद सलीम, क्योंकि अकबर के जो गुरु का नाम है वो हजरत शेख सलीम चिश्ती है। और बड़ा होकर उस लड़के का नाम रखा गया जहांगीर। तो अकबर बादशाह को यहाँ से लड़के की खुशी मिली, उसी खुशी में अकबर बादशाह ने यहाँ इस किले को बनाया। ये किला 1570 में स्टार्ट किया और 1582 में ये किला बन के कम्प्लीट हुआ। इस किले को बनने में 12 साल लगे थे। ये किला बनाने के बाद अकबर बादशाह यहाँ पर 4 साल और रहा था। यहाँ पर पीने के लिए पानी का प्रॉब्लम था, तो जो इसके पीछे मैदान बना हुआ है
जिसको लड़ाई का मैदान कहते हैं, वहाँ पर अकबर बादशाह ने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक आर्टिफिशियल लेक बनाया था, मोती झील। लेकिन पानी का प्रॉब्लम अकबर बादशाह सॉल्व नहीं कर पाए। 16 साल यहाँ रहने के बाद वो फिर आगरा चले गए थे पानी की वजह से। आगरा में 1605 में अकबर बादशाह का नेचुरल डेथ हुआ था। आगरा सिकंदरा के अंदर अकबर बादशाह का मकबरा बना हुआ है। ये सामने वाला जो बिल्डिंग है, ये सबसे बड़ा महल बना हुआ है। ये अकबर की हिंदू वाइफ महारानी जोधाबाई का महल। अकबर बादशाह ने सबसे बड़ा महल जो जोधाबाई को बना करके दिया, वो क्यों बना करके दिया, इसके दो कारण। पहला कारण ये था कि महारानी जोधाबाई से अकबर बादशाह को खुशियाँ मिली। दूसरा कारण ये था कि महारानी जोधाबाई राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के लोग ज़्यादातर बड़े घरों के अंदर रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये एक राजस्थानी स्टाइल में, एक हवेली स्टाइल में ये बिल्डिंग बना हुआ है। और हवेली स्टाइल में जो बिल्डिंग बनता है उसका एक ही गेट होता है, एंट्री एग्जिट एक ही गेट से होता है। तो इतना बड़ा बिल्डिंग का एक ही गेट है, अभी हम उधर से एंट्री करेंगे। ऊपर में सामने जो विंडो बना हुआ है ये राजस्थानी स्टाइल में, इसको झरोखा खिड़की बोलते हैं। महारानी जोधाबाई हवा खाने के लिए बैठती थी ऐसे खिड़कियों पर। और इस बिल्डिंग के अंदर आप देखेंगे फुल हिंदू आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस बिल्डिंग के हम अंदर चलेंगे, आ जाइए समझ। लोग देखिए जी, किसी भी तरह से नहीं लगता है कि ये किसी मकान का गेट, ये एक मंदिर का गेट लगता है। यहाँ सामने चौकीदार रहते थे। अकबर बादशाह ने जोधाबाई के महल के चारों ओर जो चौकीदार, जो बॉडी गार्ड लोग रखे थे, वो सारे किन्नर लोग थे। और बॉडी गार्ड इतने स्ट्रिक्ट थे कि विदाउट परमिशन कोई अंदर नहीं जा सकता। जो पोर्शन आप देखते हैं, महारानी जोधाबाई यहाँ पर गर्मियों के अंदर रहते थे, समर टाइम। और इधर का जो पोर्शन बना हुआ है ये सर्दियों के रहने के लिए, विंटर टाइम। बिल्डिंग दोनों सेम है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि विंटर पैलेस चारों साइड से क्लोज बनाया गया है, हवा आने का कोई सिस्टम नहीं। और समर पैलेस के अंदर इसके पीछे रेड स्टोन का स्क्रीन कटिंग दिया गया है, वेंटिलेटर सिस्टम, हवा आने। सामने उनका टेम्पल था, यहाँ वो पूजा करने के लिए आते थे, राधा कृष्ण की पूजा करते थे। अकबर बादशाह ने रियल गोल्ड की मूर्तियाँ बना के रखी थी राधा कृष्ण की। जो अंग्रेज लोग जब यहाँ पर आए, ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन, वो सारी मूर्तियों को यहाँ से निकाल कर लिया। यहाँ देखिए आप सामने पिलर देखिए, आप पिलर के ऊपर आप कटिंग देखिए, ये कटिंग आपको मंदिरों के अंदर देखने के लिए मिलेगी, हिंदू आर्किटेक्चर। सामने डोर बना हुआ है छोटा सा, ये देखिए आप, ये तिरुपति बालाजी मंदिर का डिजाइन सामने। और यहाँ सामने तुलसी का पौधा होता है। दोनों साइड किधर भी रहती थी, ऊपर सेकंड फ्लोर पर, नीचे में उनकी दासियां रहती थी जो जोधाबाई की खिजमत करती थी। चार कोनों पर ये डॉम बने हुए हैं, चारों कोनों पर ये बॉडी गार्ड रहती थी। तो यहाँ पे तुलसी का पौधा हुआ करता था, जो जोधाबाई पूजा करती थी तुलसी के पौधे की। बट लोगों ने यहाँ आके बहुत खराबी मचा दी, बहुत गंदगी करने लग गए, इसलिए तुलसी निकाल के यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पेड़ लगा दिया। और ये सामने है विंटर पैलेस जहाँ जोधाबाई रहती थी, नीचे सारी दासियाँ रहती थी। और ये है समर पैलेस जहाँ पे अच्छा विंड वेंटिलेशन आता था। और ये चार डोम में बॉडीगार्ड्स रहते थे। तो ये जोधाबाई का मंदिर है जहाँ पे जोधाबाई राधा कृष्ण जी की पूजा करती थी। और ये सारा अकबर बादशाह ने जोधाबाई के लिए बनाया था, क्योंकि अकबर बादशाह जोधाबाई से बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने, क्योंकि वो राजपूतानी थी, उनके लिए ये मंदिर बना के दिया। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ जोधाबाई की महल में, और हम आए हैं इस बार फतेहपुर सीकरी एक्सप्लोर करने। तो देखते हैं, मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पे नीचे से बस मिलती है, जो 30 रुपये रिटर्न टिकट रहता है, सीएनजी बसेस रहती है। और फतेहपुर सीकरी एक्सप्लोर करने के लिए, ये दो अलग प्लेसेस है, फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। दोनों प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए टिकट है 50 रुपये एंट्री फी है। और हमने गाइड करा है, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जगह है और काफ़ी खूबसूरत सी जगह है ये पूरी खूबसूरत सी जगह। यहाँ पे टोटल 46 पैलेसेस है पूरे फतेहपुर सीकरी में। तो देखते कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। Thank you.
के रहने के लिए अकबर बादशाह ने ये बिल्डिंग बनाया था। मरियम पैलेस बिल्कुल रेड स्टोन के अंदर और प्लेन पत्थर से बनाया था, लेकिन इसको वेरी ब्यूटीफुल तरीके से जो सजाया था वो पेंटिंग से सजाया था। लेकिन इस बिल्डिंग को बन के आज 550 साल हो चुका है। गवर्नमेंट ने भी इस पेंट का देखभाल नहीं किया, कोई रिपेयरिंग नहीं किया, सारा पेंट इसमें से डैमेज हो गया। देखिए ऊपर में देखिए वो ब्लू कलर का जो पेंट है, ये सारा पेंट अकबर के टाइम का पेंट है, यहाँ पर उसके बाद कोई पेंट नहीं किया। लास्ट में जो बिल्डिंग है अकबर के मंत्री थे जिनका नाम था बीरबल, बीरबल के रहने के लिए अकबर बादशाह ने वो बिल्डिंग बनाया था। उनके और ये सामने रेड स्टोन का स्क्रीन कटिंग आप देखते हैं, ये अभी आप अंदर से जो देख कर आए जोधाबाई पैलेस समर पैलेस, तो इधर से हवा जाता था ठंडा ठंडा और उनका रूम एकदम चिल रहता था। सामने एक ये टैंक बना हुआ है पानी का, इसके चारों साइड में अकबर के टाइम में रेशमी पर्दे डले रहते थे और उनकी दासियां यहाँ की चौकीदारी करती थी। ये अकबर की रानियों के नहाने के लिए, सिर्फ रानियों के लिए, बाकी लोकल किसी के लिए। वो जमा मस्जिद है, इसको नगीना मस्जिद बोलते हैं, क्योंकि अकबर बादशाह लेडीज और जेंट्सों में कोई फर्क नहीं समझते थे, लेडीजों को भी जेंट्सों के बराबर ही दर्जा देते थे। तो इसलिए ये मस्जिद बनाया था लेडीजों की नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ लेडीज नमाज पढ़ती थी अकबर के टाइम। लेकिन आज के टाइम में मुस्लिम लोगों के अंदर लेडीज को मस्जिद में अलाउ नहीं करती हैं, लेडीज घरों में नमाज पढ़ती हैं, इसलिए इसको अभी बंद कर दिया गया। ये सामने जो मैदान बना हुआ है, यहाँ पर अकबर के समय में साल में एक बार यहाँ बाजार लगता था जिसको मीना बाजार का नाम दिया गया था। बड़े दूर दूर से सौदागर लोग आते थे, गोल्ड और डायमंड की जूलियाँ लेकर के वो यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते थे। अकबर की रानियाँ यहाँ शॉपिंग करने के लिए आती थी, गोल्ड और डायमंड। ये सामने वाला जो बिल्डिंग है ये 5 स्टोरी पैलेस, इसको पंचमहल बोलते हैं। ये पंचमहल जो बना हुआ है पूरा नीचे से ऊपर तक सपोर्ट बाई पिलर के ऊपर, फर्स्ट इसमें 84 पिलर बने हुए हैं, 56, 20, 12, 4 टोटल पिलर इसके अंदर 176 है। पंचमहल अकबर बादशाह ने इसलिए बनाया था, अकबर बादशाह की जो हिंदू वाइफ थी वो सुबह वहाँ जाती थी ऊपर टॉप पर और वहाँ से सूरज को जल देती थी, यानी कि सूर्य नमस्कार। और अकबर बादशाह की मुस्लिम रानी यहाँ जाकर के ईद का चांद देखती, अकबर बादशाह हवा खाने के लिए बैठते थे, तो इसको हवा महल भी बोलते हैं और इसको पंचमहल भी बोलते हैं। पंचमहल का ये बैक पोर्शन है, ये डिफरेंस है, देखिए एक दूसरे से मंजिल छोटा होता चला गया है, लेकिन आगे का फ्रंट पोर्शन देखेंगे वो एकदम स्लिक होगा। ये देखिए सर, यहाँ से देखिए इसको पंचमहल है ना, नीचे से ऊपर तक एकदम से, ये 1, 2, 3, 4 चारों साइड में ये चौसा बना है, ऐसे जो पाशा जो मामा सब भी खेला था। तो अकबर बादशाह यहाँ बैठ करके ये चौपड़ थे, अकबर बादशाह के समय में यहाँ पर कॉइंस नहीं रखते थे, यहाँ पर देश बना करके दासियों को खड़ा किया जाता। और आपने एक हिंदी मूवी देखा था परदेश शाहरुख खान, वो यहीं का शूटिंग है। ये सामने यहाँ पर गाना होता है, नहीं होना था हो गया यार, वो गाना वहाँ हुआ था। तो ये चौसर पे दासियाँ रंग बिरंगे कपड़े पहन के नाच नाच के अकबर बादशाह दासियों के साथ चौसर खेलते थे। वही जगह है जहाँ अकबर बादशाह बैठ के चौसर खेला करते थे, और ये चौसर का पूरा इसको खजाना महल बोलते हैं, बट दिस नॉट खजाना महल, ये एक हाइडन सी महल, क्योंकि इसके 3 कमरे बने हुए हैं, कमरों के पास दरवाजे बने हुए हैं और साइड में ये ऐसी गैलरियाँ बनी हुई हैं कमरों के चारों साइड में। ये थोड़ा भूल भुलैया स्टाइल की गैलरी है। अकबर की रानियाँ अपनी दासियों के साथ यहाँ पर आँख मिचौनी खेलने के लिए आती थी, आँख मिचौनी समझते हैं लुका छुपी, वो खेलने के लिए आती थी। मकान बने हुए हैं वो सीखी गांव, ये बाबर ने बसाया था। फतेहपुर सिटी हमको इस साइड में देखने के लिए मिलेगा जब हम फतेहपुर बुलंद दरवाजे पर जाएंगे। फतेहपुर अकबर बादशाह ने बसाया था, अकबर बादशाह ने दोनों जगहों को मिला के यहाँ नाम रखा था फतेहपुर सिटी। ये वो लड़ाई का मैदान है, यहाँ पर युद्ध हुआ था और यहाँ पर अकबर बादशाह ने वाटर लेक बनाया था, लेकिन आज पानी सूख चुका है, यहाँ किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये सामने पानी का टैंक बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी जो बसा हुआ है वो 10 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है। अकबर बादशाह ने पूरे 10 किलोमीटर के एरिया में ऐसे 12 टैंक बनवाए थे,
और इन टैंकों के अंदर ऐसा सिस्टम दिया गया था कि यहाँ जब भी बारिश होती है सारी बिल्डिंगों का पानी इन्हीं टैंकों के अंदर जाकर के जमा होता है, क्योंकि पानी की यहाँ कमी थी, इसलिए वो बारिश तक के पानी को वेस्ट नहीं जाने देते थे, उसको स्टोर करते थे। सामने वाला बिल्डिंग आप देखिए, ये आप यहाँ से इस बिल्डिंग को देखेंगे डबल स्टोरी पैलेस बिल्डिंग है, और अंदर से इस बिल्डिंग को देखेंगे सिंगल स्टोरी पैलेस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने खास। अकबर बादशाह के पास जब कोई केस आता था, अकबर बादशाह के 9 मिनिस्टर थे, अकबर बादशाह अपने 9 मिनिस्टरों को लेकर के इसी दीवाने खास के अंदर बैठते थे, पहले आपस में उस केस के बारे में डिस्कस करते थे, उस केस का जो भी डिसीजन निकल करके आता था तब अकबर बादशाह दीवाने खास के वहाँ जाते थे, दीवाने आम के अंदर। वो सामने गेट पर आप देखिए वहाँ पर, हाँ नहीं वो बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन वहाँ बाहर एक मैदान बना हुआ है जो आप गार्डन सा आपको नज़र आ रहा होगा सामने, लेकिन वो गार्डन अकबर के टाइम का नहीं है, वो अभी बनाया है। वो मैदान था, वहाँ पर पब्लिक बैठती थी, और इधर की साइड में दीवाने आम बना हुआ है। अकबर बादशाह वहाँ जाते थे, जो भी कोई फैसला होता था पब्लिक के अंदर वहाँ से सुना दिया जाता था, तो वो पब्लिक के बैठने का मैदान था, लेकिन अभी वहाँ गार्डन बना दिया, उसको दीवाने आम बोलते हैं, ये दीवाने खास। तो अभी अंदर से हम दीवाने, तो इन महलों की जो आर्किटेक्चर बनाई है वो हिंदू आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर दोनों का मिक्स है। यहाँ पे झरोके जो बनाए हैं ये राजस्थानी आर्किटेक्चर का है, क्योंकि जोधा भाई यहाँ रहती थी तो अकबर बादशाह ने जोधा भाई के लिए खास बनाया था। और ऊपर आप टोम देखेंगे तो ये मुगल आर्किटेक्चर है, तो ये मुगल और हिंदू आर्किटेक्चर दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है, जो बहुत ही प्यारा सा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। यहाँ से आप देखिए सिंगल स्टोरी पैलेस बना हुआ है, यहाँ ऊपर जाने का रास्ता इधर से है, लेकिन ये रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं। ऊपर में बिल्कुल 20 सेक्टर में अकबर बादशाह बैठते थे, चारों साइड में गैलरी बना हुआ है, इधर में उनके 9 मंत्री बैठते थे, यहाँ बैठ करके वो आपस में पहले डिस्कस करते। ये पिलर आप देखिए, इधर आइए पिलर आप देखिए, ये रेड स्टोन का पिलर बना हुआ है, यहाँ से ये पिलर पूरा वन पीस में बना हुआ है। अब इस पिलर के ऊपर आप देखिए जरा गौर से, कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग कटिंग है। अकबर के समय में लाइट नहीं थी, मशीन नहीं थी, सारा ये हैंडवर्क है। ये हैंडवर्क सीकरी गांव के लोगों ने किया, सीकरी गांव के लोग ही इस बिल्डिंग को बनाने वाले मजदूर लोग। और ये आर्ट आप देखिए सामने, ये पर्शियन आर्ट है, और इसके नीचे देखिए आप छोटे छोटे जो गेट बने हुए ये क्रिश्चियन आर्ट है, और इसके नीचे ये लाइनिंग बनी हुई है ये बुद्धिस्ट आर्ट है, इसके नीचे ये हिंदू डिजाइन है, तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं हिंदू डिजाइन, इसके नीचे ये मुस्लिम डिजाइन, सबसे नीचे उमर खैया मुगल आर्ट, और जो ऊपर सामने डॉम आप हैं ये एक जैन आर्ट, ये कभी आप जैन मंदिर गए हो वहाँ की आर्ट आपको देखने के लिए। तो इस पिलर के ऊपर सारे धर्मों के जो आर्किटेक्चर दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अकबर बादशाह सभी धर्मों को मानते थे, अकबर बादशाह ने सभी धर्मों को मिक्स करने के लिए एक धर्म चलाया था दीन-ए-इलाही, आपने पढ़ा होगा इसको, वो दीन-ए-इलाही की स्थापना यहीं से बैठ के स्टार्ट की थी अकबर बादशाह, इसलिए इस पिलर के ऊपर सारे धर्मों की आर्ट। ये पूरा जो महल बना हुआ है वहाँ अकबर की मुस्लिम रानी तर्की सुल्ताना की रही मुस्लिम रानी, जिनका सेकंड नाम था रुकैया बेगम। रुकैया बेगम का महल अकबर बादशाह ने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से जो सजाया था वो कार्विंग कटिंग से सजाया, इससे ज़्यादा कार्विंग कटिंग किसी भी महल के अंदर नहीं। देखिए सामने ऊपर छज्जे पर आप देखिए सबसे पहले गुलाब के फूलों का कटिंग किया गया, और उसके नीचे आप बॉर्डर आप देखिए छज्जे पर, ये बॉर्डर है, ये कमल के फूल का बॉर्डर बनाया गया, हाँ अकबर के टाइम का। और ये देख बादशाह ने इसको शीश महल बोला जाता है, सामने वहाँ ग्लास लगी हुई रंग बिरंगे ग्लास, जो इम्पोर्टेड ग्लास थे जो अकबर बादशाह ने बेल्जियम से मंगाए थे, और डायमंड लगे हुए थे, सेमी प्रेसिस स्टोन लगे हुए थे पूरी बिल्डिंग के अंदर, ये सारी चीजें अंग्रेज लोग यहाँ से निकाल कर दिए। आप थोड़ा अंदर जाकर इसका छत का कटिंग आप देखिए, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग कटिंग छत तक पर कटिंग है, देखिए आप ये अनार जो होता है, हम लोग अनार खाते हैं ना, अनार का बेल बनाया गया है, इधर में अंगूर का बेल बनाया गया है, ये और इसकी ब्यूटीफुल खूबसूरती आप यहाँ से देखिए, कितना बारीक काम है, सारा काम जी हैंड वर्क है, हाथ की कारीगरी। आ जाइए इधर आ जाइए, हमाम समझते हैं आप, हाँ।
नहाने का। सिर्फ अकबर बादशाह और अकबर बादशाह की रॉयल फैमिली के लिए, बाकी लोकल किसी के लिए, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया। सामने ये पानी का तालाब आप देख रहे, इसको बोलते हैं अनूप तालाब। अनूप जो बोला जाता है, अनूप के मायने होती है खूबसूरत, जो ज्यादा खूबसूरत चीज होती है उसको अनूप बोला जाता है। अभी इसके अंदर बारिश का पानी भरा हुआ है, लेकिन अकबर के समय में इसके अंदर रोज वाटर भरा जाता था। अकबर के 9 मंत्री थे, उनमें से एक मंत्री थे जिनका नाम था तानसेन, बहुत बड़े गायकार थे, सिंगर थे, वो वहाँ बीच में बैठ करके गाना गाते थे। अकबर बादशाह और अकबर बादशाह के जो VVIP गेस्ट हुआ करते थे वो वहाँ सामने बैठते थे, वहाँ बैठ करके वो तानसेन का गाना सुनते थे। अकबर बादशाह की तीनों वाइफ और उनकी जो लेडीज गेस्ट होती थी वो वहाँ सामने ऊपर में बैठती थी। ये बालकनी सिस्टम बना हुआ है, लेडीज लोग पर्दे के पीछे बैठती थी, इन सभी के अंदर पर्दे डले रहते थे, लेडीज बाहर से गाना सुनती थी। 1584 में अकबर बादशाह ने यहाँ पर एक गाने का कॉम्पिटिशन किया, तो यहाँ पर सबसे पहले बैजू बाबरा ने गाया, सबसे पहला गाना। तो बैजू बाबरा ने जब यहाँ पर गाया था, उन्होंने दीपक राग गाया, तो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर कुदरती दिए जल गए थे। बाद में जब तानसेन का बारी आया तो तानसेन ने गाया था मेघ, तो यहाँ बारिश हो गया। लेकिन अकबर बादशाह ने जीत किसी की घोषित नहीं की, दोनों को बराबर से ही दर्जा दिया। यहाँ पर उस जमाने में बहुत ही खूबसूरत रहा होगा, चारों तरफ रेशमी पर्दे वगैरह, गद्दे, गलीचे, और दोनों साइड में यहाँ पर स्टेप था, राइड स्टोन का, वो स्टेप डैमेज हो चुका है। यहाँ अकबर बादशाह आराम करते थे, यहाँ उनके एक सर्वेंट बैठते थे, नौकर, यानी कि पंखे का रस्सी पकड़ के ऐसे वो खींचते रहते थे ताकि बादशाह को हवा लगती रहे। जब गर्मी का ज़्यादा टेम्परेचर होता था तो इसके अंदर पानी भर दिया जाता था ताकि रूम ठंडा रहे। और पानी भरने का एक दूसरा कारण भी था, क्योंकि अकबर बादशाह जब यहाँ आराम करते थे तो कोई अगर पे हमला करने के लिए आए तो पानी की आवाज़ से बादशाह सलामत हो जाए, एक ये भी कारण। और अकबर बादशाह जब यहाँ आराम करते थे उनको जो भी फ्लेवर पसंद था परफ्यूम के अंदर, उसी फ्लेवर का परफ्यूम इनके अंदर भर दिया जाता था। ये दो टैंक बन गए, एक और एक ताकि यहाँ एकदम खुशबू का माहौल रहे। अकबर बादशाह और अकबर बादशाह की रॉयल फैमिली के लिए यहाँ पर खाना बनाया जाता था। महारानी जोधाबाई को खाना बनाने का बहुत शौक था, महारानी जोधाबाई यहाँ पर खाना बनाती थी, लेकिन जोधाबाई ओनली वेज थी, नॉन वेज नहीं लेती थी। तो ये ओनली जोधाबाई का किचन था, ओनली वेज किचन, नॉन वेज किचन जो था खस सामने वाले जो गेट लगा हुआ है वो नॉन वेज किचन। अब जोधाबाई से संबंधित जो भी बिल्डिंग बना है उसके अंदर राजस्थानी डिज़ाइन जरूर दिया जाता है। ऊपर में सामने आप देखिए थानों के झुमकों का डिज़ाइन बना हुआ है, ये राजस्थानी डिज़ाइन है, क्योंकि राजस्थान की लेडीज आज भी बड़े बड़े झुमके पहन रही हैं। दरवाजा एशिया के अंदर सबसे बड़ा गेट है और वर्ल्ड के अंदर सबसे चौड़ा गेट है बुलंद दरवाजा। बुलंद एक अरबी वर्ड है, बुलंद के मायने होती है ऊंचे। बुलंद दरवाजा मेन गेट है वो लोकल पब्लिक के आने जाने के लिए। तो अभी हम इस रॉयल गेट के अंदर चलेंगे। तो ये शाही पात है जहाँ पे अकबर बादशाह अपने गुरु से मिलने के लिए इस रोड से जाते थे, ये पथ से जाते थे। और ये सामने है बुलंद दरवाजा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा दरवाजा है। शेख सलीम चिश्ती उन्हीं का नाम है। इसी दरगाह के अंदर लोग जाते हैं, यहाँ पर अपनी अपनी मन्नतों के धागे बांधते हैं अंदर। सामने जो बड़ा वाला गेट आपको नजर आ रहा है बिल्कुल सामने वाला, ये पूरा पोर्शन जमा मस्जिद का है। अकबर के टाइम में यहाँ पांचों टाइम की नमाज होती थी, आज भी यहाँ पांचों टाइम की नमाज होती है। ये बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजे का ये बैक पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन अभी हम उधर चलेंगे देखने के लिए। सामने ऊपर में जो डॉम बने हुए हैं, ये डॉम बिल्डिंग के चारों साइड में बने हुए हैं। अकबर के टाइम में यहाँ पर लाइट थी तो ये सभी के अंदर,
ऑयल लैंप जलाई जाती है ताकि किले के अंदर वो सुने। सामने जो रूम बने हुए हैं ये रूम तीन साइड में बने हुए हैं, एक आजकल के समय में यहाँ पर लड़कों को पढ़ाया जाता है, यानी कि मदरसा चलता था लड़कों कैरिटी, लेकिन बाद में यहाँ पर लोकल आदमियों ने इंडी के अंदर दुकानें खोली थी, जो सन 2007 में मैंने आपको फर्स्ट में बताया, यहाँ से इन दुकानों को निकाल करके वहाँ से ये सब बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने लॉक लगा दिया सबके अंदर। और ये सामने देखिए आप, ये सारी जो कब्रें बनी हुई है ये सारी कब्रें हजरत शेख सलीम चिश्ती की फैमिली के लिए, आज भी इनके फैमिली के लोग जिंदा है जिनका 16 जनरेशन चल रहा है सोल। सामने जो जमा मस्जिद है, जमा मस्जिद के बैक साइड में वो लोग वहाँ रहते हैं, वही लोग दरगाह की देखभाल करते हैं, वो यहाँ के सज्जादी हैं जिनका नाम है रईस मियां चिश्ती। अभी भी उन लोगों में से जो लोग मर जाते हैं उनकी समाधि यहीं बनाई जाती है। तो अब तो ये वही दरगाह है जहाँ अकबर बादशाह ने आके मन्नत मांगी थी संतान के लिए। वो पीछे दरगाह है और अभी हम दरगाह में चद्दर चढ़ा के आए, बड़े अच्छा लग रहा है। तो अगर आपका भी मन हो, आपको भी कोई मन्नत मांगनी हो तो दरगाह में जाइए और चद्दर चढ़ाइए। और ये पीछे की तरह है जामा मस्जिद। ये है बुलंद दरवाज़ा, अभी हम अंदर की तरफ से देख रहे हैं, ये बैक साइड है बुलंद दरवाज़ा का, अभी इसको हम सामने से भी देखेंगे। ये 52 मीटर ऊंचा दरवाज़ा है और इसको चढ़ने के लिए 52 सीढ़ियाँ भी है। ये इसकी खूबी है कि 52 सीढ़ियाँ और 52 मीटर ऊंचा दरवाज़ा है ये बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर है, ये अकबर ने बसाया था ये फतेहपुर। वहाँ देखिए जंगल चल रहा है, स्टोन का जो बाउंड्री आपको नजर आ रहा है 10 किलोमीटर के एरिया में जो बाउंड्री बना हुआ है फतेहपुर सीकरी का सिटी वॉल, नीचे ब्लैक डाउन बने हुए हैं। अकबर के टाइम में जो लोग दरगाह पर आते थे दर्शन करने के लिए, यहाँ पहले स्नान करते थे उसके बाद अंदर जाते थे। साइड में इधर वाला जो बिल्डिंग बना हुआ है नीचे का, ये लंगर खाना अकबर के टाइम का, यहाँ पर गरीब लोगों को खाना बांटा जाता था अकबर की तरफ, इसको बुलंद दरवाज़ा बोलती है। इस गेट का जो हाइट है, यहाँ से आप लोग खड़े हुए हैं 134 फीट हाइट है ऊपर टॉप का, इसका जो आर्च है वो 90 फीट है, नीचे उतरने का स्टेप है 50 फीट और नीचे रोड से इसका हाइट है 136 फीट। कैसी लगी आपको फतेहपुर सीकरी की कहानी और कैसे लगी आपको जूदा अकबर की कहानी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और मेरे चैनल टू एक्सप्लोरिंग शोज को सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो टू एक्सप्लोरिंग शोज। और अभी मैं बस लौट रहा हूँ आगरा से, ट्रेन में हूँ और मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहूँगा, ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा, फॉलो ज़रूर करना।